राधे राधे दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरी छोटी सी बगिया जिसमें बहुत सारा आपको वेस्ट की चीज़ों का उपयोग दिखाई देगा। बेकार की बोतलें होंगी, बेकार की बाल्टी, बेकार के डिब्बे, डिब्बे होंगे सोन पापड़ी के, बिस्किट के डिब्बे, जो भी रसोई घर से निकलता है कचरा, सब कुछ मैं अपने टेरेस गार्डन में यूज़ करती हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ था लॉकडाउन में 2020 में, जब पहला लॉकडाउन लगा था दोस्तों, तब घर में जो है करने के लिए कुछ नहीं था, समझ नहीं आता था कि क्या करें, तो बस गार्डनिंग की तब से हमने कर दी शुरुआत। और बेकार की चीज़ों से ही मैंने ये शुरुआत करी थी, जैसे कि बेकार टूटे डिब्बे थे रसोई घर से निकले हुए, तो उन्हीं में मैंने जो है गार्डनिंग शुरू करी। सबसे पहले मैंने लगाए जो घर में हमारे होते हैं टमाटर, तो उन टमाटरों को बीजों को मैंने डाल दिया जिनसे छोटी छोटी पौधे तैयार हुए। उस तरीके से जो है मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करी। फिर इन बेकार की चीज़ों का बिल्कुल फुल यूज़ करा, बोतलें हों छोटी छोटी, 1 लीटर की हों चाहे आधा लीटर की हों, किसी भी प्रकार की बोतल हो, सबका यूज़ अपनी गार्डनिंग में किया। और ये जो बोतलें होती हैं ये बहुत ही मज़बूत होती हैं और ये आराम से 5 से 6 साल चलती रहती हैं। आप इनमें पेंट करना चाहें या ना चाहें, पौधे आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये है रेन लिली। रेन लिली एक फूलों वाला पौधा है जो कि मल्टीप्लाई होता रहता है। और भी बहुत सारी बोतलें हैं, 2 लीटर, आधा लीटर, क्योंकि घर से निकलने वाली कोई भी बोतल मैं फेंकती नहीं हूँ। ये है पेंट का डिब्बा। पेंट का डिब्बा बहुत ही मजबूत होता है। इसमें मैंने लगा ली हैं 2 से 3 कटिंग, एक है रियू की कटिंग, एक है डेविल बैकबोन की कटिंग। ये डिब्बा भी बहुत ही पुराना है, लेकिन पौधा देखिए कितना स्वस्थ है। तो आप पेंट के डिब्बों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब ये शुरुआत करी थी दोस्तों, तो रसोई से निकलने वाला जो कचरा होता था, मुझे लगता था कि मैं इसका क्या करूं, तो मुझे इसमें लगा कि क्यों ना मैं इनमें पौधे लगाऊं। तो सबसे पहले जब मैंने यूज़ किया तो वो निकला था आटे का डिब्बा, जिसमें मैंने लगाया अपने टमाटर के पौधे। और एक मेरे पास बर्तनों की टूटी हुई टोकरी थी जिसमें मैंने लगाया पालक, और पालक भी बहुत सुंदरता से जो है उसमें ग्रो किया। तो इस तरीके से आप भी रसोई से निकलने वाला कोई भी कचरा हो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए, सबका यूज़ आप अपनी गार्डनिंग में कर सकती हैं। मैं भी बहुत सालों से इन चीज़ों का यूज़ करती हुई आई हूँ। इनमें हमारा कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि गार्डनिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है गमलों की। तो गमलों की जो पूर्ति है वो ये बेकार की चीज़ें पूरी कर लेती हैं, तो इससे हमारे पैसे की बचत भी हो जाती है। और ये भी रेन लिली है जो कि मैंने 2 लीटर की बोतल में लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है ये 2 लीटर की बोतल में, और हर साल मुझे इसी तरीके से फ्लावरिंग भी ये देता ही रहता है। बारिश में जो है इनमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। मेरे पास जो है 2 से 3 कलर के जो है रेन लिली हैं, साइज़ में जो है अलग अलग प्रकार के हैं, वाइट है और 2 मेरे पास पिंक कलर के हैं। रेन लिली बहुत ही हार्डी प्लांट भी है और एक परमानेंट प्लांट भी है। ये बेकार की चीज़ें जो है हमारे रसोई घर से आए दिन ही निकलती रहती है, आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं। अब ये आधा लीटर की बोतल है। अब आप सोचेंगे कि आधा लीटर की बोतल में तो कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधा लीटर की बोतल में भी पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये है रेन लिली जो कि आधा लीटर की बोतल में लगा हुआ है। क्या आप भी आधा लीटर की बोतल को फेंक देते हैं? बिल्कुल भी मत फेंकिए, आप इनमें पौधे आराम से ग्रो कर सकते हैं। आप वो पौधे लगाइए जिनकी जड़ें बहुत अधिक लंबी नहीं होती है, जैसे ये देखिए जेट प्लांट, ये भी बहुत ही छोटी सी नन्ही सी आधा लीटर की बोतल में लगा हुआ प्लांट है। कटिंग से ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसे आप जो है 1 से अनगिनत पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं और एक सुंदर सा गार्डन तैयार कर सकते हैं, चाहे आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहें। और यदि आपके पास जगह की कमी है तो आप जो है सीढ़ियों में इस तरीके से पौधे लग सकते हैं।
इनको डोरी लगाकर आप हैंग भी कर सकते हैं, आप बालकनी में भी इनको टांग सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा रुपया आपका खर्च नहीं होगा। ये थी आज की मेरी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।